जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा दिल चाह रहा है कि जिन स्टूडेंट्स को इस वक्त पेपर में बड़ा अहम महीना है, बहुत सारी क्लासेस के फाइनल होने जा रहे हैं और दो सितारे, एक जो अच्छा था वो भी रेट्रोग्रेशन में गया हुआ है और दूसरे का फॉल, स्टूडेंट्स को कहीं डैमेज ना करे, उनकी ज़हनी सलाहियतों को इफ़ेक्ट ना करे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो उनके लिए भी बना दी जाए. तो जी एरिस स्टूडेंट्स, जिनका सितारा बुर्ज हमल तुलबा का है, इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है. अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो नतीजा बहुत अच्छा है इंशाल्लाह. जब तक नतीजा आना है, सितारे ने सीधा हो जाना है और आपको एक मुतवक्को या गैर मुतवक्को कामयाबी भी आपका मुकद्दर बन सकती है. तो प्लीज़ इस वक्त आप तो बिल्कुल सेफ जोन में हैं. अगला सितारा है जी टॉरस यानी बुर्ज सौर. आपको टॉरियंस स्टूडेंट्स, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आपको सितारे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ध्यान बटाएंगे, आपको लगेगा आपकी रिटेंशन वीक हो रही है. तो इन चीज़ों से फाइट करने के लिए ज़रा सी मेहनत ज़्यादा है इस वक्त में. तो आप लोग प्लीज़ जो है इस वक्त सितारों पे या किस्मत पे नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करना है. फिर नहीं कहना कि हार्ड लक हो गई है. तो प्लीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. अगला सितारा है जेमिनाय यानी बुर्ज जौजा. आप माशाल्लाह सेफ जोन में हैं. जिनका सितारा बुर्ज जौजा है वो सेफ़ हैं. मैं बार बार नामों की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे चुकी हूँ, उसको आपने एक बार ही कम्प्लीट सुन लेना है या मैं उसको एक अलग से भी बना दूंगी आप लोगों के लिए. तो इस वक्त आप लोग सेफ हैं जेमिनाइज, आपको कोई जो स्टूडेंट्स ख़तरा नहीं है. अगला आगे जी कैंसेरियन स्टूडेंट्स, क्योंकि सितारा आपके विद इन योर सेल्फ एक पैनिक सा क्रिएट करेगा, एक एंग्जाइटी क्रिएट करेगा. तो उस एंग्जाइटी में अगर आप अच्छे पेपर्स ना दे पाए तो कैंसेरियंस आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स गेट रेडी, कमर कस लीजिए. एक थोड़ा सा टाइम है, छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसका रिवॉर्ड आपने आगे सालों लेना है. तो याद रखिए ये चंद दिन की मेहनत जो है ये एक बड़े रिवॉर्ड आपको दे सकती है. तो इस वक्त दिन रात एक करना पड़ेगा कैंसेरियंस. आपको भी कैंसेरियंस और टॉरियंस हार्डवर्क होते हैं, लेकिन कभी कभी हार्ड लक आ जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है. लियोज स्टूडेंट्स, आप सेफ हैं, इसलिए मेहनत भी कीजिए. मेहनत पे किस्मत पे नहीं मुकम्मल रहना, लेकिन ये कि मेहनत ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह नतीजा भी अच्छा आएगा. वर्गोज माशाल्लाह इस वक्त लक साथ दे रही है. या तो जो याद करेंगे वो पेपर्स में आ जाएगा या पेपर्स अल्लाह की तरफ से भी अच्छे हो जाएंगे. तो लक साथ देती हुई नज़र आ रही है. तो वर्गोज, आपको जो वर्गोज स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो. आगे आगे जी लिब्रा स्टूडेंट्स, मीज़ान स्टूडेंट्स जो हैं उन वो भी ठीक हैं इस वक्त, शुक्र है अल्लाह पाक का. कोई मनहूस सितारा कहीं पे अपनी नहूसत नहीं डाल रहा, तो मुझे आपकी कोई परेशानी लिब्रा स्टूडेंट्स की नहीं है. अगला आ गया स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कैंसेरियन स्टूडेंट को और स्कॉर्पियन स्टूडेंट को अपनी एड़ियाँ रगड़नी है. नाक से लकीरें भी निकालनी पड़े तो आपने निकाली हैं, लेकिन आपने हार्ड वर्क करना है. रोज़ा लग रहा है कुछ भी नहीं होता, बर्दाश्त रोज़े रख के तो डिनाइल में चले जाइए कि कुछ भी नहीं है आपको. तो इस वक्त जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपको सर का दर्द, खामखा दिमाग पे बोझ लगेगा जैसे कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा. वो ज़रा सा अपने आप को एट पीस करना है और कि कुछ बुरा नहीं है, फिर आपने मेहनत शुरू करनी है. अगला आगे सेजिटेरियन स्टूडेंट्स, आप भी सेफ हैं तो आपकी भी हमें कोई परेशानी नहीं है. कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स, शुक्र है आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका सितारा ज़रा सा सख्ती में मुब्तला है तो मैं ये मुकम्मल नहीं कह सकती कि लक साथ दे के ना दे, लेकिन मेहनत साथ ज़रूर देगी. तो आपने मेहनत को तरजीह देनी है. एक्वेरियन स्टूडेंट आगे, अगला आप भी सेफ हैं तो आप भी इंशाल्लाह मेहनत कीजिए. ऐसे लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, क्या पता कोई गैर मुतवक्को कामयाबी मिल जाए जो कि आप बहुत खुश हो जाएं. अब आखिरी है जी पाइसियन स्टूडेंट, आपके साथ भी लक इस वक्त जो है पाइसियन जो स्टूडेंट्स हैं आपका भी किस्मत साथ देगी. तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन
जो है एक छोटी सी यहाँ पे ये भी कह दूँ कि मेहनत का रिवॉर्ड तो इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा, और महीना आपको ऐसा मिल गया है कि दुआ कोई टलनी नहीं आपकी, दुआ रद्द कोई होनी नहीं आपकी, तो दुआ कोशिश दोनों को जारी रखिए, अल्लाह पाक की बरकत शामिल हो जाएगी। जिनके सितारे सख्त भी हैं वो भी अपनी मेहनत से और अपनी पॉजिटिविटी से इनको शिकस्त दे सकते हैं। तो ठीक हो गया इंशाल्लाह, अच्छे रिज़ल्ट के साथ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे अब वो नहीं कहना, कोसना नहीं है आप लोगों ने। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात रहेगी, राबता रहेगा, फिर होगी मुलाकात। फी अमानुल्लाह।